हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरूके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अब आगे बात करते हैं जहाँ पे मैच नंबर 2 जो कि खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहाँ पे टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के साथ नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही है। पहले T20 में जिस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया वो काबिले तारीफ था। हालांकि बॉलिंग में टीम इंडिया वीक दिखी और पहला मैच जीतकर सीरीज के एक लीड ले लिए। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 जो गुवाहाटी के बरसप्रा क्रिकेट स्टेडियम में होगा, दोनों ही टीम इस मैच को जीत सीरीज में बने रहना चाहेंगे। वहीं अगर आगे बात करते हैं पिच रिपोर्ट देखें तो गुवाहाटी के बरसप्रा क्रिकेट स्टेडियम की पिच थोड़ी सी फास्ट है। यहाँ पे फास्ट बॉलर को काफ़ी हेल्प मिलती है और सेकेंड इनिंग में यहाँ ड्यूप देखने को मिलेगा, जिसके चलते सेकेंड बैटिंग इजी होगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो मैच के दिन मौसम सुहाना रहेगा, धूप खिली रहेगी, टेम्परेचर 15 से 20 के बीच में रहने वाला है। यहाँ आगे बात करते हैं टॉस प्रिडिक्शन, तो सेकेंड इनिंग में ड्यूप को बहुत देखने को मिलेगा, तो पॉसिबल है कि टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पे पहले बॉलिंग करना चुनेगी। अब अगर बात करते हैं टीम इंडिया का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 में भारत की अच्छी कप्तानी की और लास्ट में कैप्टन वाली इनिंग खेलकर टारगेट को चेस करवाया। सूर्या इस फॉर्मेट में भारत के सबसे बेस्ट बैटर हैं, यहाँ उनसे अच्छा भी परफॉर्म करने की उम्मीद है। हालांकि 20 कप उनके लिए भूलने लायक रहा, ओपनर ऋतुराज और यशस्वी दोनों पहले मैच में फेल रहे थे, इस मैच में दोनों रन बनाना चाहेंगे। यशस्वी जसवाल इस सीरीज में भारत के लिए बेस्ट करने वालों में से एक हो सकते हैं। इस युवा प्लेयर ने हर मौके पर प्रूव किया है कि उन्होंने 7 T20 में 38.66 की एवरेज से 161 के स्ट्राइक रेट से 232 रन बनाए। वहीं अगर ईशान किसान की बात की जाए तो 20 कप में ज़्यादातर समय बाहर बैठना पड़ा, लेकिन लास्ट मैच में जब चांस मिला तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि वह बेस्ट बैटर, उन्होंने मैच विनिंग नॉक खेला। इसके अलावा फिनिशर रिंकुन सिंह ने लास्ट गेम फिनिश किया, वो भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। तो भाई लोग, अपनी टीम पूरी तरह तैयार है ऑस्ट्रेलिया से बदलाने के लिए। लास्ट टीम में टीम इंडिया की बॉलिंग वीकनेस दिखी, रेगुलर बॉलर की अब्सेंस में भारत के बॉलिंग अटैक का लीड फास्ट बॉलर हर्षदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा न्यू बॉल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन लास्ट गेम में दोनों काफ़ी महंगे साबित हुए थे। इस मैच में दोनों को लाइन में लेंथ सुधार करना होगा। न्यू बॉल की इस जोड़ी के पास अच्छे बैटर्स के अगेंस्ट एक्सपीरियंस नहीं है और यह ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट रन लुटा सकती है। हालांकि लेग स्पिनर रवि बिश्नोई काफ़ी ज़्यादा रन लुटा है, लेकिन वो इफेक्टिव हो सकते हैं। क्लार्क स्पिनर विकेट लेने की एबिलिटी, यहाँ उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। अक्षर पटेल भी चोट के बाद अच्छा कमबैक किया, वो बॉलिंग में इकोनॉमिकल थे लेकिन विकेट नहीं ले पाए थे। वहीं फास्ट बॉलर आवेश खान को इस मैच में टीम प्लेइंग 11 में जगह दे सकती है। अब अगर बात करते हैं इंडिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान है, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किसान जो विकेट कीपर है, यशस्वी जसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और आवेश खान। तो ये रहे इंडिया का प्लेइंग 11। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं ऑस्ट्रेलिया का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो लास्ट गेम में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन बैटिंग की, लेकिन बॉलिंग और सूर्य कुमार की इनिंग के चलते मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज के लिए अपनी फुल पैक टीम लेकर आया, यह टीम पूरी तरह से स्ट्रांग है। लास्ट मैच में ओपनर मैथ्यू शॉट फेल रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ने 50 रन बनाया। स्मिथ को अपने स्ट्राइक रेट से इंक्रीज करनी होगी, T20 में तेज खेलना होगा। लास्ट गेम में टीम के हीरो रहे विकेट कीपर जॉस एमली, जो उन्होंने भारतीय बॉलर्स की खूब कुटाई की और सेंचुरी बनाई। मिडिल ऑर्डर में स्टोनिस और टीम डेविड भी हिटिंग एबिलिटी रखते हैं, लास्ट मैच में उन्होंने ज़्यादा चांस मिला था। मैथ्यू वेट सीरीज में बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को लास्ट गेम में रेस्ट दिया गया था, भी इस मैच में वो प्लेइंग 11 में हो। एरन हार्डी टीम के सरप्राइज पैक है जाए, इस टीम में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उनकी वीक साइड नजर आती है। लास्ट मैच में ये दिखा कि तब उनके बॉलर 207 रन का टारगेट सेव नहीं कर पाए। फास्ट बॉलर सीन अवॉर्ड और नाथन एलिस काफ़ी महंगे रहते, दोनों ने अपने 8 ओवर्स में 87 रन दिए थे। लेग स्पिनर एडम जंपा को रेस्ट मिला था, वो इस मैच में कमबैक कर सकते हैं। अब वह तक इस पिच को अच्छे से लीड कर रहे हैं और विश्व कप में शानदार फॉर्म में थे। लेग स्पिनर तन्वीर संगा ने 2 विकेट लिए थे, ऑलराउंडर मैट शॉट ने 1 विकेट लिया था। फास्ट बॉलर जेसन वैंड्रफ टीम के बेस्ट बॉलर थे, यहाँ पे सिन कंडीशन उन्होंने फ़ायदा होगा। यह तीनों खिलाड़ी
अपनी बॉलिंग से काफ़ी इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की बात की जाए, जहाँ पे मैथ्यू वेट जो कि कप्तान और विकेट कीपर दोनों हैं, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, जॉश इंग्लिश, टिम डेविड, जेसन बैंड्रॉप, एडम जंपा, सीन एवॉर्ड और तनवीर संगा। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया। अब अगर बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर टीम इंडिया होगी, क्योंकि टीम इंडिया काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हार मिल सकती है। तो गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।